यह कहानी फिरोजपुर शहर के एक निक्के जे पिंड विच चंडीगढ़ शहर तो व्याह के आई मॉडर्न कुड़ी पाली दी है। अंतरराष्ट्री महिला दिवस मौके फिरोजपुर शहर के नामी कॉलेज विच हो रहे एक प्रोग्राम विच पाली टुंडी ने बतौर मुख मेहमान शमूलियत की। उसने अपना भाषण खत्म किया ते जदों स्टेज तो जान लगी तो एक नौजवान कुड़ी ने सवाल पूछया, पाली जी तुहाडा सही नाम की है? जदों सारे तुहानू पाली टुंडी कहिंदे हन तां तुहानू गुस्सा नहीं आउंदा? पाली उत्थे ही रोक गई। उसनू लग्या जिवें किसी ने उसनू वर्तमान दी गड्डी तों धक्का मार के अतीत विच सुट दित्ता होवे। उसने अपने आप नू संभालदे होए पिछे मुड़ के माइक फड़िया ते कहा, इस नाम दे पिछे बहुत लंबी कहानी है, जे तुसी सारे जानण लई तैयार हो तां मैं सुनाउण लई तैयार हाँ। सारे विद्यार्थियों ने जोर नाल ताड़ियां वजाउंदे होए कहानी सुनने की इच्छा जताई। पाली दे ख्यालां वाले पंछी खां बुला के 25 साल पिछे चले गए ते उसने कहानी सुनाउणी शुरू की। मैं वीरपाल कौर उर्फ पाली, चंडीगढ़ शहर दी जंपल, साबका DSP सरदार अजीत सिंह की अकलौती ते लाडली पोतरी सी। दादे दादी ने सुखां सुख सुख के लिया सी मैनू, क्योंकि डैडी जी हुणी 4 भरा सी ते 4 दे ही 2-2 मुंडे सी। भूआ भी नहीं सी हैगी कोई साड़ी। 2 भरावां तो बाद जदों मैं हुई तां दादा जी ने बड़ी खुशी मनाई, घरे अखंड पाठ करवाया गया ते शाम नूं बहुत वड्डी पार्टी भी कीती। मैं सारियां दी लाडली सी, दादा दादी मम्मी डैडी चाची चाचियां ते वीरे सारे ही जानवर दे सी मेरे तो। डैडी जी बैंक मैनेजर सन ते मम्मी जी प्राइमरी टीचर। मेरी जिंदगी विच सब कुछ वधिया सी, वधिया माहौल विच पली होण करके सोने भी बहुत सी। मापिया ने कदे तत्ती वाह नहीं लगन दित्ती सी मैनू। बचपन विच मैं चंडीगढ़ के सब तो टॉप दे स्कूल विच पढ़ी। सुख सहूलतां ते लाड़ प्यार दी बहुतात करके मैं जिद्दी हो गई। मेरे मुँह चों गल मगरों निकलदी सी ते घर दे पूरी पहलां कर देंदे सी। जिस जमाने विच लोकी कुड़ियां नू चज नाल पढ़न भी नहीं सी देंदे, मैनू उदों भी पूरी आजादी सी। मैं अपने आप नू कोई राजकुमारी समझदी सी। नाल दीआं कुड़ियां मेरी किस्मत तो सड़दियां सन, क्योंकि मैं लगभग हरेक पक्ष तो खुशकिस्मत सी। दौलत शोहरत दे नशे विच मैं इन्नी अन्नी हो गई सी कि हरेक नू इट्टे च समझदी सी। रब नू भुल बैठी सी मैं, पर रब मैनू नहीं सी भुलिया। उसने मैनू सबक सिखाउण लई पूरी प्लैनिंग कीती होई सी। जदों मैं 12वीं करन तो बाद कॉलेज विच दाखला लिया तो उत्थे मेरी मुलाकात शमशेर नाल होई। शमशेर मेरा सीनियर सी, कबड्डी दा खिडारी सी, सारा कॉलेज उस तों डरदा सी। मुंडिया वांग पली होण करके मैनू खड़के दड़के वाले मुंडे ही पसंद आउंदे सी, जिस करके शमशेर मेरी पसंद बन गया। असी 2 साल इकट्ठे कॉलेज विच रहे। कॉलेज पढ़दिआं ही शमशेर ने मेरा नाम पाली रखिया। उह कहिंदे आ ना कि रब जदों भी मारदा बंदे दी माती मारदा। मेरी भी ऐसी मत मारी कि मैनू 2 सालां विच इह भी पता ना लगा कि शमशेर नशा करदा सी। मैं प्यार विच इस हद तक अन्नी सी कि मैं उस बारे कुछ गलत सुन के यकीन नहीं सी करदी। शमशेर करके मैं बहुत सारे दोस्त गवा ले, क्योंकि जिहड़ा भी मैनू उस बारे दसदा सी मैं उल्टा उस नालों रिश्ता तोड़ लैंदी सी। शमशेर दे कहण ते मैं घर गल कीती, मैं शमशेर नाल विआह करवाउणा। दादा जी ने कहा, बेशक असी तैनू पुत्तां वांग पालिया है पर विआह एवें नहीं करवाउण देना। मैं कलेश पा लिया। घरदिआं ने मैनूं बहुत समझाया कि तू चंडीगढ़ शहर दी जम्मी पली पिंड विच नहीं रह सकदी, पर मेरे सिर ते तां इश्क दा भूत सवार सी। मैं टस तो मस ना होई। आखिर मेरी जिद अगे मेरे घर दे झोगे ते साडा विआह हो गया। जदों डोली तुरन लगी तां दादा जी ने कहा, वीरपाल मैं तैनूं पुत्तां वांग पालिया सी पर तू चंगी नहीं कीती मेरे नाल। तू आपदी मर्जी तां कर लईए पर अज तों बाद साडे घर ना आवीं। मैं भी वेखदा मेरी लाडा नाल पाली पोतरी पेंडू लोगों नाल किन्ना चिर कड़दी है। एक बार तो मन ढह ढेरी हो गया, पर बाद विच मैं अपने आप नूं संभाल के तुर पई नवें सफर ते, नवें लोगों विच, नवें माहौल विच। प्यार दा भूत जो सवार सी, जां इह कह लो कि मेरी जिद। मैनूं शमशेर तो बिना होर किसी की भी टेंशन नहीं सी। सारे अपणिआं नूं रोंदे छड्ड के मैं हासे लभण लई आ गई सी, जिन्हां दी कीमत मैं अज तक चुका रही हाँ। 5-6 घंटे के सफ़र तो बाद मैं पाली बन फिरोजपुर आ गई। वीरपाल नाम बहुत पिछे छुट गया। लास्ट बार दादा जी ने ही वीरपाल कहा सी। उस तो बाद मैं अपना असली नाम भुल ही गई। पिंड विच मेरे लिए सब कुछ नवां सी।
जिस माहौल विच मैं पली सी उसके अनुसार मेरे लिए एक दिन भी कटना बहुत औखा सी, पर शमशेर करके मैं सब कुछ एडजस्ट कर लिया। मैं अपने आप को पिंड के माहौल विच ढाल लिया। वैसे भी शमशेर का घर बहुत वड्डा ते सोहना सी, जो मैं पसंद आया। शमशेर के परिवार विच शमशेर के मम्मी डैडी ते वड्डा भरा भरजाई सी। डैडी पिंड के सरपंच सी, मम्मी तो मैं बहुत प्यार करती सी, पर डैडी ते वड्डा भरा खिजे रहिंदे सी। जठानी मेरी अपने आप विच मस्त रहिंदी सी, उसका बच्चा होने वाला सी, तां करके ही वह सारा दिन अपने कमरे विच आराम ही करती रहिंदी सी। व्याह तो बाद थोड़े दिन तक घर का माहौल ठीक ठाक रहा। शमशेर भी मेरे कोल घर ही रहिंदा सी, ताकि मेरा जी लगा रहे। पिंड दीआं जनानियां मैनूं देखण आउंदियां तां आपस विच कुसरमुसर करदियां कि एड्डी सोहणी वोटी, वह भी वड्डे शहर की, ऐ नहीं बहुता चिर टिकदी। लोगों विच मेरी चर्चा छिड़ गई। शमशेर जदों भी घर तों बाहर जांदा तां लोक टिचरां करदे कि अजे टिकी आ वोटी कि नस गई, वह भी हुण मेरे तों औखा जिहा रहिण लगा ते रोज़ शराब पी के घर आउण लग पिया। मैं मम्मी जी नूं दसणा तां उन्हां चुप कर जाणा। फिर एक दिन मैं डैडी जी नूं दस्या तां उन्हां ने शमशेर नूं कुछ कहण दी थां ते मेरी ही बेइज्जती कर दित्ती ते कहा जे जट्टां दे पुत शराब नहीं पीणगे तां होर कौण पीऊगा। मैं चुप कर गई। बहुत दिन एवें चलता रहा। मैं शमशेर नूं बहुत समझाया पर उसने मेरी एक ना सुनी। हुण जिवें जिवें मेरे सिर तों इश्क दा बुखार उतरन लगा, मैनू अपने घर परिवार की याद आउण लगी। मैं सारा सारा दिन रोंदी ने लंघा मैं सारा सारा दिन रोंदी ने लंघा देना, जिसते करके मैं सारा कुछ छड के आई सी, हुण मेरी परवाह ही नहीं सी करदा।